डॉक्टर हर्षवर्धन ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ स्टील चौबे जी ऑन स्टेज आ जाओ आ जाओ गणेश वंदना एंड सरस्वती वंदना पवित्रतुल्या महाकाय सूर्यकोटि मेडिकल प्रोफेशन की तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसके साथ 80 के दशक में जुड़ा। 93 में मैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री बना और मेडिकल कॉलेज के ज़माने से आज तक लगातार हेल्थ के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। और बहुत सारी हमारे मेडिकल प्रोफेशन में भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, जिसमें से फॉक्सी एक महत्वपूर्ण बॉडी है। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है और ये मैं बहुत पैशनेटली कह रहा हूँ, कोई आपके इस सम्मेलन में आया हूँ इसलिए नहीं कह रहा, कि जितना मैंने फॉक्सी के मेंबर्स में देश के लिए समाज के लिए, नॉट दैट कि बाकी लोगों में नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जो जज्बा और उसके लिए सिंसियरली जो काम करने की भावना है, उसको क्रियान्वित करके दिखाना, उसको कंसिस्टेंटली करते रहना, ये जितना आप लोगों के बीच में मैंने देखा है, ये मैंने ऑनेस्टली दूसरी जो अपनी यानी दूसरी जो स्पेशलिटीज़ हैं, मेरी भी अपनी एसोसिएशन ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया है, या ऐसे एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया है, सभी हैं, अपने अपने तरीके से सब लोग काम करते हैं, ये नहीं कि वो लोग काम नहीं करते, लेकिन फॉक्सी का जज्बा जो है वो अनूठा है। बहुत एम्बिशियस गवर्नमेंट का प्लान है, इस 5 साल में एक एम्स से जो यात्रा शुरू हुई थी, अभी लगभग 22 एम्स और करीब 157 यानी 157 नए मेडिकल कॉलेजेस, 58 प्लस 24 प्लस 75 यानी 157 नए मेडिकल कॉलेजेज इस 5 साल के अंदर, यानी कितने तो उसमें से बन गए हैं, कितने बनने की स्टेज में चल रहे हैं, 75 नए कंसीव हो गए जिनको कल ही हमने कैबिनेट में रखा, प्रधानमंत्री जी ने सबने उसको अप्रूव किया और वो 2022 तक कंप्लीट होंगे। ऑलरेडी 45,000 UGPG की सीट्स हम लोग बढ़ा चुके हैं,
और अभी इन 75 से 15,000 यूजी की तो गवर्नमेंट है वेरी एम्बिशियस प्लान की जो हमारी डॉक्टर और जो पॉपुलेशन रेशियो है अभी करीब 1400-1500 के ऊपर एक डॉक्टर है वो 1000 के ऊपर एक वाली रेशियो तक अगले 6 से 7 साल में वी वांट टू बिल्ड द कंट्री टू दैट लेवल। और फिर आयुष्मान के माध्यम से वी वांट टू एंश्योर कि कोई भी गरीब आदमी कम से कम ये इलाज से और ख़ासकर सेकेंडरी केयर जो टर्शियरी केयर है वो उस इलाज से किसी तरह से भी वंचित ना रहे। ये ठीक है हो सकता है कि जो प्राइवेट में जितना खर्चा या इत्यादि निकलता है वो शायद हो सकता है सब लोगों की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आयुष्मान में वो सेटिस्फेक्शन ना हो, लेकिन द वेरी फैक्ट कि अभी 10.78 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का फ़ायदा मिलता है